तो आज जो टॉपिक बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट द मॉडल ऑफ एटम। इस टॉपिक को भी हम कर लेते हैं, हमारे पास टाइम है, पता नहीं बेटा इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका बन जाए, कि एटम का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है ना, उस मॉडल ऑफ एटम भी हमें पढ़ना ही है। डिस्कवरी हमारी पूरी हो चुकी है इलेक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन की। नेटवर्क वीक आ रहा है बेटा, बार बार अनस्टेबल हो रहा है आज। मैम आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। हु इज स्पीकिंग? देखिए टॉपिक है हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के बारे में क्या स्टेटमेंट है? ये जो मॉडल है गिवन बाय जे.जे. थॉमसन, कब दिया था? 1898 में दिया था। ये सबसे पहला मॉडल आया था एटम के बारे में। थॉमसन ने क्या कहा था कि एटम एक स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का। इट इज ए स्फीयर, एक स्फीयर की तरह है ये, और पॉजिटिव चार्ज का ये स्फीयर है। इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक एज सीड्स इन द वॉटरमेलन। बेटा एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे एम्बेडेड होते हैं जैसे कि सीड्स होते हैं इन द वॉटर मेलन, और रेजिन्स इन केक, या केक में जो रेजिन्स होते हैं उनकी तरह। तो इसको हम बोलते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, आसान सा है। पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है लाइक एज सीड इन द वॉटर मेलन। आगे कह रहा है जो स्टेबिलिटी है दैट इज बैलेंस्ड बाय। तो अब ये जो एटम का मॉडल है वो स्टेबल कैसे है ये हमें करना है। तो स्टेबिलिटी जो है उसको हम बैलेंस करेंगे। हाँ, जो जो बच्चे क्लास में नहीं है ना, मैं सबके घर पे अभी फोन करूंगी। बेटा एक मिनट है। प्रियांशी बेटा मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज देना अटेंडेंस का, ठीक है? प्रियांशी अभी स्क्रीनशॉट ओके मैम, ठीक है मेरे पास भेज देना, फिर मैं आज फोन करूंगी सबके घर जो जो क्लास में नहीं है। यहाँ देखिए, अब स्टेबिलिटी बैलेंस्ड बाय। स्टेबिलिटी को हम कैसे बैलेंस करते हैं? रिपल्शन तो होती है बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, एंड अट्रैक्शन होती है बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिपल्शन तो होगी सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, और अट्रैक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर और इलेक्ट्रॉन के बीच में। इस तरह से जो ये मॉडल ऑफ एटम है ये स्टेबल रहता है। इसी को हम बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल, या आपने पढ़ा होगा नाइन्थ क्लास में। जैसे आपके वाटरमेलन में सीड्स एम्बेडेड होते हैं, सेम ऐसे इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर में। ये स्टेटमेंट है किसकी? थॉमसन की। अब लिमिटेशन देखिए, क्या कमियां थी थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की? तो पहली कमी इसकी थी, इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। ये बता नहीं पाया कि जो एटम है वो न्यूट्रल है या नहीं है। सेकेंड, नोट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसकी दो लिमिटेशन है, पहली तो ये कि ये एटम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और दूसरा रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, इसकी बात देखो आगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अंतिम बेटा बोलिए। अब शुरू करते हैं, तो आगे टॉपिक देखो। अभी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। आपको पता है न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन आपका किया था गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन किया था चैडविक ने। ठीक है, और न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। अब स्टेटमेंट क्या है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की, वो आप देखिए। इसने अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, कैसे वो आप समझे पूरा। ये एक सबसे पहले सेटअप है वो आप देखें। ये एक लेड का ब्लॉक है, इट इज ए ब्लॉक ऑफ लेड। ओके, इस लेड के ब्लॉक के अंदर बेटा एक टुकड़ा सा है लेड का, ये खाली स्पेस है। यहां हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया लाइक एज द रेडियम और पोलोनियम। इस लेड ब्लॉक के अंदर हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा लाइक एज रेडियम एंड पोलोनियम। ठीक है, और फिर हमने यहां पर एक स्लिट लगाई। स्लिट का काम क्या है बेटा? फिर से नेटवर्क वीक हो रहा है। स्लिट का काम ये है कि जो ये रेज आएगी इनको बिल्कुल सीधा लेके आएगी। तो जो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ये क्या इमिट करेंगे? रेडिएशंस। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या इमिट होगी? रेडिएशंस इमिट होगी। ठीक है, अब ये अल्फा रेज यहां से निकल रही है, यहां से क्या बाहर आ रही है? ओके,
अब हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, अपनी वीडियो को पिन मत किया करो आप लोग। अब हमने यहाँ पे गोल्ड या प्लेटिनम का एक फॉइल या पेपर लगा दिया। मान लिया ये हमारी गोल्ड की फॉइल है या प्लेटिनम मेटल की फॉइल है। इसकी थिकनेस कितनी लेनी है, 4 × 10⁻⁴। थिकनेस कितनी मोटाई की फॉइल आप लेंगे, 4 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहां पर हमने अल्फा रेज ली, वो अल्फा रेज कहां आके टकराएगी बताओ, इस गोल्ड की स्क्रीन पे आके टकराएगी। और हमने इस गोल्ड फॉइल के पीछे ये एक सर्कुलर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक सर्कुलर हमने क्या लगा दी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। ठीक है, आपको पता है ये फॉस्फोरिसेंस या फ्लोरिसेंस शो करता है, इसका मीनिंग है जब इस पे चार्ज पार्टिकल आके गिरेगा तो ये ब्राइट स्पॉट या ब्राइट इमेज देगा। ओके, तो यहां से अल्फा रेज आई, इस गोल्ड की फॉइल पे आके टकरा रही है, उससे क्या होगा, आपके यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस आएंगी अलग अलग। वो ऑब्जर्वेशन क्या क्या है जो वहां पे रदरफोर्ड ने देखा था, वो देखिए। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, जो 99% अल्फा पार्टिकल है मूव स्ट्रेट, आप देखिए बेटा ये अल्फा रेज यहाँ आके टकराई गोल्ड की फॉइल पे, और आप देखिए मोस्टली पार्टिकल जो है 99% ब्राइट इमेज इस हिस्से में बनी है जहां मेरा एरो चल रहा है ना यहाँ पे। अब इस हिस्से में ब्राइट इमेज कब आएगी, जब आपके अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधा स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हेयर, जो 99% अल्फा पार्टिकल है दे मूव स्ट्रेट विदाउट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन। ये उसकी पहली ऑब्जर्वेशन थी, रेज बिल्कुल सीधी गई, कहीं भी डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। अगला पॉइंट कह रहा है फ्यू ऑफ देम डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल। कुछ एक रेज बेटा ऐसी भी थी जो यहां पर आके टकराई, और देखो आप जो ये वाली रेज है ना जो दिखा रखी है साइडों में मैंने, कुछ एक रेज बिल्कुल सीधी नहीं गई, अपने पाथ से मुड़ गई है, डिफ्लेक्ट हो गई है। तो जो ये रेज है डिफ्लेक्ट होके जा रही है, ये रेज भी डिफ्लेक्ट होके जा रही है। फ्यू ऑफ देम डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, तो ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई है। और लास्ट पॉइंट, ए वेरी फ्यू, जो बहुत ही कम है, अबाउट 1 in 20,000। आप सबको ये दिखाई दे रहा है ये वाला एरो, हाँ भाई बोलो बेटा, दिखाई दे रहा है ना, यस नो में जवाब दिया करो ताकि मुझे लगे आप लोग। यस मैम। ओके, यस मैम। ए वेरी फ्यू, अबाउट 1 in 20,000 डिडंट पास थ्रू द फॉइल एंड सफर्ड बाय लार्ज डिफ्लेक्शन मोर देन 90 डिग्री। बेटा 20,000 में कोई एक रे ऐसी भी होगी जो फॉइल में से पास होके नहीं जाएगी, फॉइल पे जाके टकराई और लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट होके वापिस आ जाती है। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन वहां पे रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व की थी। पहली ये कि मोस्टली पार्टिकल बिल्कुल सीधे चले गए, कहीं पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। सेकेंड ये कुछ एक आपके डिफ्लेक्ट हो गए स्मॉल एंगल से, और कोई बहुत ही कोई एक हजारों में से ऐसा भी है जो फॉइल में से पास ही नहीं हुआ और लार्ज डिफ्लेक्शन से वापिस आया। अब बेटा कोई चीज टकरा रही है, टकरा के वापिस हो रही है, इसका मतलब वो जाके सेम चार्ज से टकरा रही है, तभी तो वापस हो रही है। अब एक तो वो मुड़े स्मॉल एंगल के डिफरेंस से, एक वो मुड़े लार्ज एंगल के डिफरेंस से। तो स्मॉल एंगल के डिफरेंस से कब मुड़ेगी, जब वो किसी हल्की चीज से जाके टकरा रही है। लेकिन अगर कोई रे गई और वो बड़े लार्ज एंगल से मुड़ के वापिस आई, इसका मीनिंग क्या है, वो कोई बहुत भारी चीज से टकरा रही है। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन आई थी, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। 99% रेज बिल्कुल सीधी चली गई, कहीं पे नहीं मुड़ी, कुछ एक रेज स्मॉल एंगल से मुड़ी, और हजारों में से कोई एक जो है वो फॉइल में से पास ही नहीं हुई और वो लार्ज डिफ्लेक्शन से मुड़ के वापिस गई। ठीक है, मोर देन 90 डिग्री। अब देखिए इसके बाद आगे कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है। पहला कंक्लूजन है ए लार्ज एम्प्टी स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द एटम। बेटा आपने देखा 99% रेज तो आर पार चली गई बिल्कुल सीधी निकल के, मतलब जो वो गोल्ड का फॉइल है, गोल्ड भी तो एक एटम ही है ना, उस एटम में बहुत सारा खाली स्पेस है, उस एटम में बहुत सारा खाली स्पेस है, उस खाली स्पेस में से वो रेज निकल के बाहर चली गई। तो पहली ऑब्जर्वेशन के बेस पे 99% रेज बिल्कुल सीधी चली गई, तो उसके बेस पे पहला कंक्लूजन ये आया कि एक लार्ज एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है बिटवीन द एटम, बिटवीन द एटम। सेकेंड पॉइंट बेटा, द अल्फा पार्टिकल्स वर दोज विच पास्ड वेरी क्लोज टू अ पॉजिटिव बॉडी, दैट्स व्हाई डिफ्लेक्टेड। हमने सेकेंड पॉइंट ये पढ़ा था, कुछ एक रेज डिफ्लेक्ट हो गया स्मॉल एंगल से।
ठीक है। अब हमने कल पढ़ा था, बताओ अल्फा रेज किस चार्ज की रेज होती है, बोलिए बेटा अल्फा रेज किस चार्ज की रेज होती है, हमने कल परसों पढ़ा था ये बेटा। पॉजिटिव, ठीक है ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना बेटा। पॉजिटिव, ओके पॉजिटिव, ठीक है। तो आप बताओ अल्फा रेज पॉजिटिव चार्ज की रेज आ रही है, अगर वो टकरा के मुड़ गई है, इसका मीनिंग वो जाके किससे टकराई है, पॉजिटिव चीज से टकराई है ना, पॉजिटिव बॉडी। हाँ जी, तो यही लिखा हुआ है अल्फा पार्टिकल बट दोज फास्ट वेरी क्लोज टू अ पॉजिटिव बॉडी, इसीलिए वो डिफ्लेक्ट हुए हैं। और अगला पॉइंट, एक स्मॉल एंड हैवी पॉजिटिव चार्ज बॉडी प्रेजेंट विद इन द एटम कार्ड न्यूक्लियस। आपको वो थर्ड ऑब्जर्वेशन याद है कि 20,000 में से कोई एक रे ऐसी भी थी जो वहां जाके टकराई, अंदर पास ही नहीं हुई, टकरा के लार्ज एंगल से वापिस आ गई। अब 20,000 में से कोई एक रे ऐसा कर रही है, इसका मीनिंग कोई ऐसी चीज भी एटम के अंदर है जो पॉजिटिव चार्ज की बनी है, तभी तो रे आपकी मुड़ रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। और साथ में वो ना बहुत हैवी है, वो चीज हैवी क्यों है, क्योंकि जब आपकी रे मुड़ रही है तो बहुत लार्ज एंगल से मुड़ रही है, इसका मीनिंग कोई ऐसी हैवी बॉडी भी एटम के अंदर है जो एक ही है और काफी हैवी है, जो पॉजिटिव चार्ज की बनी होती है, और वो हैवी बॉडी क्या है, न्यूक्लियस है। आपको पता है ना पूरे एटम का मास किस में कंसंट्रेट होता है, न्यूक्लियस में कंसंट्रेट होता है। तो एक स्मॉल एंड हैवी पॉजिटिव चार्ज बॉडी भी प्रेजेंट होती है विद इन द एटम, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा रदरफोर्ड ने कैसे डिस्कवरी की न्यूक्लियस की। अब इसके आगे है जो न्यूक्लियस है वो होता क्या है, इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, इट कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड एंटायर मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट। न्यूक्लियस बेटा बहुत छोटे साइज का होता है। अब आज 30 स्टूडेंट्स हैं, जो जो बच्चे, अब बेटा स्ट्रेंथ कितनी है इस क्लास की, 38 और 39, 40, 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 40
सबके घर पे आज मुझे बच्चे नहीं है तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है, बता दिया मैंने। रिजल्ट बहुत ही गंदा है चैंपियन क्लास का, पता होगा आप लोगों को, सभी बच्चे क्लास लिया, तुम्हें बहुत लू छोड़ दिया मैंने कई दिन तक, अब नहीं। तो न्यूक्लियस है वेरी स्मॉल होता है साइज में, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और जो एंटायर मास है एटम का वो इसी में कंसंट्रेट रहता है। आप सबको पता है ना वो छोटा होता है न्यूक्लियस, बहुत हैवी होता है, पूरे एटम का मास न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेट करता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है, और जो प्रोटोन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन आपको पता है बाहर मूव करते रहते हैं ऑर्बिट में। फिर ये कह रहा है जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लेनेटरी मॉडल इन विच इलेक्ट्रॉन बिहेव एज प्लेनेट, ठीक है। अब लिमिटेशंस आप देखिए, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो पहली इसकी कमी है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। बेटा जो इसका एटम था ना उसकी स्टेबिलिटी को आप ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब आप लोगों को लिखना तो है नहीं, सिर्फ टिक करना है, तो सफिशियंट है, बस आप लर्न कर लें। ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, इट वाज अनेबल टू डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। साथ में इसने ये नहीं बताया, बस ये तो कह दिया कि प्रोटोन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है और इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहेंगे, बट ये नहीं बता पाया कि एक ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन दें एक ऑर्बिट में और क्या उनकी एनर्जी रखे। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात भी नहीं की। और अगला पॉइंट, इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट। बेटा ये चीज नहीं है आप लोगों के लिए, इसने एलिमेंट का स्पेक्ट्रा भी एक्सप्लेन नहीं किया। इस संडे को आप लोगों की पीटीएम है, पता है आप लोगों को, सब बच्चों की नोटबुक चेक करूंगी, ये सारे नोट्स कंप्लीट होने चाहिए हर एक बच्चे के, ठीक है। आ गया समझ में, से यस और नो? यस मैम, यस मैम। अब इसके आगे आपने एक इम्पोर्टेंट नोट है, ये आपको याद करना है, जो डायमीटर ऑफ एटम्स है, जो एटम का डायमीटर है, इट इज, आप देख सकते हो 1 लाख है ये, ठीक है, 10^5 टाइम देन द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। एटम का डायमीटर कितना बड़ा होता है? 10^5 टाइम बड़ा होता है, किससे? न्यूक्लियस के डायमीटर से।
ठीक है, तो यहाँ देखिए डायमीटर ऑफ एटम होता है 10^-8 डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस 10^-13, तो ये कितना आया 10^5। मतलब कंक्लूजन ये आया, डायमीटर ऑफ एटम इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इनटू 10^5। आगे ये कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ एटम, जो एटम की वॉल्यूम है दैट इज अबाउट 10^15 टाइम देन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। एटम की वॉल्यूम कितनी ज्यादा है, 10^15 टाइम ज्यादा है, किससे, न्यूक्लियस से। कैसे होगा देखिए, तो यहाँ हम रेशियो निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो एटम की वॉल्यूम क्या है, 10^-8, ए क्यूब करोगे पावर में 3 कर दिया, या डायमीटर क्या था न्यूक्लियस का 10^-13 पावर में 3 कर दिया। आपको पता है पावर यहाँ पे एड होगी, तो 8+8+8 कितना हो गया 24, ऐसे 13+13+13 कितना हो गया 39। तो 10^-24 डिवाइड बाय 10^-13 कितना आया, ये 10^15 आया, ये क्या आया 10^15। ठीक है, तो जो आपके एटम की वॉल्यूम है दैट इज अबाउट 10^15 टाइम देन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये भी आप कर लेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो आपको पता है जो एटॉमिक नंबर है उसको तो हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मास नंबर है उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट बाय जेड, हाँ बेटा अंशु बोलो। मैम कुछ नहीं। तो बेटा ऐसे डिस्टर्ब मत किया करो फिर। तो एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, तो हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, ई उसका सिंबल है, जेड उसका एटॉमिक नंबर होगा और ए उसका मास नंबर होगा। तो नीचे तो हम उसका लिखेंगे एटॉमिक नंबर और ऊपर हम उसका लिखेंगे मास नंबर। तो जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, ए यहाँ पे मास नंबर है। तो अब ये कह रहा है जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है, तो आप सबको पता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन इन एन एटम। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन इन एन एटम, और नंबर ऑफ प्रोटोन ही किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इन ए न्यूट्रल एटम। तो एटॉमिक नंबर बराबर है नंबर ऑफ प्रोटोन की और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब देखिए आगे मास नंबर कैसे निकालते हैं, तो आप सभी को पता है मास नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर निकलेगा नंबर ऑफ प्रोटोन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं, तो आप ये कर ही लोगे, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन से। हाँ भी आपने ये सब पढ़ रखा है 9th क्लास में, बताओ मुझे, शाबाश, आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने सीख रखे हैं 9th क्लास में, बताओ भी। Yes, ma'am. Okay. तो इसके बाद yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Very good. Yes, ma'am. बिल्कुल बच्चा बच्चा बहुत बढ़िया। अब टॉपिक देखो आइसोटोप का, आइसोटोप्स किसने दिए थे, आइसोटोप की डिस्कवरी किसने की, नाम इनको किसने दिया, गिवन बाय सोडी। ठीक है, सोडी ने कंसेप्ट दिया था आइसोटोप्स का। व्हाट आर आइसोटोप्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ ए सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम है जिनका सेम होता है एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट होता है मास नंबर। जैसे बेटा आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तीनों में एटम ऑफ सेम एलिमेंट, तीनों हाइड्रोजन एलिमेंट के ही एटम है। ठीक है, तीनों का क्या सेम है, आप देखो एटॉमिक नंबर, बट तीनों का क्या अलग है, मास नंबर। पहला है H11, दूसरा है H12, तीसरा है H13। तीन टाइप होगी H11, H12, H13। H11 होता है प्रोटियम, H12 का नाम होता है ड्यूटेरियम और H13 का नाम होता है ट्रिटियम। ये आपको समझ में आ रहा होगा, तीनों एटम है सेम एलिमेंट के, तीनों हाइड्रोजन एलिमेंट से बने हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है 111, तीनों का मास नंबर अलग है 1, 2 और 3। तो इन तीनों के आपस में क्या रिलेशनशिप है, दीज आर द आइसोटोप्स।
ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। आपको पता है क्लोरीन के भी दो आइसोटोप होते हैं कॉमन, एक तो है क्लोरीन Cl1735 और एक है Cl1737। तो आप देखो दोनों क्लोरीन एटम से बने हैं, दोनों में Cl है, ये बात तो सही है। अब दोनों का एटॉमिक नंबर भी सेम है, यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है। लेकिन अब अगर हम इन दोनों का मास नंबर लेंगे तो आप देखिए एक का 35 और एक का 37, एक का 35 और एक का 37, ओके। तो दोनों का क्या अलग हो गया, मास नंबर। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप आ गई, अगेन रिलेशनशिप यहाँ पे दोबारा से आई आपकी आइसोटोप्स की। अब आगे देखिए आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन की कौन कौन सी आइसोटोप होते हैं, तो आपको पता है कार्बन के जनरली 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13 और कार्बन 6 14। तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है 666, तीनों में एटम भी सेम है कार्बन कार्बन कार्बन, बट तीनों का मास नंबर अलग अलग है, एक का 12 है, एक का 13 है और एक का 14 है, ठीक है। तो तीनों एटम है सेम एलिमेंट के, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम, बट तीनों का मास नंबर अलग है, 12, 13 and 14। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, दे आर आल्सो आइसोटोप्स, दे आर आल्सो आइसोटोप्स। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आइसोटोप्स क्या होता है, बोलो बेटा आइसोटोप समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट है तो बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. किसी का कोई डाउट है प्लीज रेज योर हैंड, किसी का कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, या वो खुद को अनम्यूट करके बोले बेटा। No, ma'am. तो भाई आप लोगों ने नोट्स बना लिए, एक बार सब बच्चे अपनी वीडियो ऑन करो, वेरी गुड। No, ma'am.